बाय गॉड, ये वही जगह है क्या जहां हम रुके थे? ओ बाय गॉड दोस्तों, अब ये देखो यार, बाय गॉड दिस इज हॉरिफाइंग। इससे पहले वाले व्लॉग में हम यहाँ पर थे तो ये बहुत छोटे छोटे थे, हमें वही बहुत ज्यादा लग रहे थे, पर वो देखो बाय गॉड यार, बाय गॉड सच में डर लग रहा है इसको देख के। तो चलो भाई दौड़ो हुंदर की ओर, हमें कैमल सफारी करने का मन है दोस्तों, कैमल सफारी हम कर पाए होपफुली बैक्टीरियन कैमल पे हुंदर के। गाइस हम तुरतुक से तो निकलते निकलते हमें 7:15 हो गए हैं और हमें पूरे 2 घंटे का अराइवल दिखा रहा है दिस्कित में। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शाम को या रात को हुंदर सैंड ड्यून्स में मज़ा आता है, तो आपको शाम को जाना चाहिए हुंदर सैंड ड्यून्स। लगता है आज तो हम पक्का शाम को ही पहुँचेंगे क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा 1 घंटे में। एंड मैं कोमल को बैक्टीरियन कैमल दिखाना चाहता था बट उसको इतना कैमल का फैसिनेशन हो नहीं रही है बैक्टीरियन कैमल की, क्योंकि वो राजस्थान में पली बड़ी है एंड उन्होंने ज़िंदगी भर कैमल्स ही देखे होते हैं। जितनी हम लोगों को कैमल को देख के फैसिनेशन होती है, राजस्थानियों को उतनी नहीं होती। बोलेंगे कहीं है यो, मैं इतनी अच्छी नहीं बोल पाता दोस्तों राजस्थानी, कोमल बोल लेगी, बट आप मेरा मैसेज समझ पा रहे होगे। तो बट फिर भी हम देखना चाहते हैं हुंदर सैंड ड्यून्स, हमने देखे थे सैंड ड्यून्स में, हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। हम अपनी बाइक तो देखो बदतमीज़ों की तरह नहीं उतारेंगे उसमें या कोई गंदी हरकत करें, क्योंकि ये फिर नेचर है और नेचर से पंगे लेना हमें पसंद नहीं है। तो अब हम जल्दी से आराम आराम से हुंदर पहुँचते हैं, फिर दिस्कित अपने होम स्टे में पहुँचते हैं, क्योंकि कल शुरू होगा हमारा लेग 3 ऑफ द जांसकर लद्दाख 2022 राइड। वी आर एक्साइटेड फॉर इट बट अपेरेंटली हमें जाकर रेस्ट भी तो करना है दोस्तों। टाइम से रेस्ट करेंगे, जल्दी उठेंगे, तभी तो नेक्स्ट लेग के लिए एनर्जी लेकर आ पाएंगे, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा अभी बची नहीं है दोस्तों। आज तो मैं टूट गया हूँ, कल की राइड और आज की राइड समझो, रोज़ 200-200 किलोमीटर वह पहाड़ों में मैंने चलाई है विद शूट, तो आप समझ सकते हो कि बॉडी कैसी टूट रही होगी। एंड मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा दोस्तों, मेरा एक शोल्डर पूरा बोल चुका है, तो मुझे जाकर उसको भी थोड़ा रेस्ट देना है। वो कह रहा है भाई अब छुट्टी दे दे मेरे को एक दिन, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कुछ ना करूँ, सिर्फ पड़ा रहूँ तो शायद बॉडी अच्छे से रिकैलिब्रेट हो जाएगी। बाय बाय काराकोरम, बाय बाय हिमालयन माउंटेन्स ऑफ तुरतुक नुब्रा थांग। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपके पास आकर आपकी खूबसूरती को अप क्लोजली विटनेस कर। अलविदा थांग, अलविदा तुरतुक, अलविदा काराकोरम, फिर मिलेंगे दोस्त जल्द ही। करो और जियो रिवर टेमर्स प्रोजेक्ट विजयाक। श्योक रिवर के ऊपर से पूरा ब्रिज जा रहा है, ये आज का हमारा पता नहीं कौन सा ब्रिज है, मैं भूल गया। वहां पक्का ब्रिज बनने की तैयारी हो रही है, पक्का ब्रिज, ये वीक ब्रिज है। आवाज से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ऐसा लग रहा है कि कभी भी खुल जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। बोगडांग 6 किलोमीटर, बोगडांग के बाद श्योक रोड, श्योक वॉर मेमोरियल तक थोड़ा बहुत रोड खराब है, उसके बाद सारा रोड एक नंबर है। मतलब खराब भी एज इन खराब वाला खराब नहीं है, बस थोड़े बहुत पैचेस है रफ, बाकी वो एकदम मक्खन की तरह निकलेगा, कोई वो पंगा नहीं होगा उसमें। मेरे को अभी भी ना प्रॉपर समझ नहीं आया, आर्मी वाले कह रहे हैं कि ये काराकोरम और हिमालयस के बीच में है, जो लोकल्स है वो कह रहे हैं पूरा काराकोरम रीजन है, और जो मेरी स्टडी बताती है वो बताती है कि थोड़ा जो आर्मी बोल रही है वो ज़्यादा सही है कि ये जो वैली है दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन द हिमालयन माउंटेन्स एंड द काराकोरम रेंजेस, ये कम्प्लीटली काराकोरम रेंजेस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और आर्मी ने भी मुझे यही बताया, बट लोकल्स कह रहे हैं कि ये सारा काराकोरम है। अब कौन जाने सत्य क्या है, बट आई विल ऑलवेज रिजाइड विद द इंडियन आर्मी, क्योंकि वही है जिनकी वजह से हम ये सब जगहें देख पाते हैं, ये खूबसूरत वैलीज, इन मेस्मराइजिंग लोकेशंस को अपनी नज़र से देख पाते हैं, क्योंकि अगर ये रोड नहीं होती ना दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इवन कच्ची रोड भी नहीं होती ना तो भी इम्पॉसिबल है, आप फुट से तो इतनी दूर कैसे ट्रैक कर आओगे ना,
लोकल्स ही करेंगे, या तो आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा सदियों में जब लोग अपने पैरों को यूज़ करने के आदी थे। अब बंदे कहते गाड़ी पे बैठो और चल पड़ो, जैसे कि मैं खुद। ये देखो दोस्तों एक छोटा सा, अब यहाँ पर भी कोई गांव होगा डेफिनेटली। हाँ वहाँ से एक रोड जा रहा है, पोस्ट भी हो सकती है हमारी आर्मी की, यू नेवर नो, बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल इंडियन बॉर्डर्स। ये देखो श्योक रिवर, और इतनी ज़्यादा बड़ी है, और इसके ऊपर ये पुराना सा ब्रिज, और मैं रिकॉर्ड करने के लिए रुका था और कमल की फट गई। मैं मेन दोस्त आगे कोमल को डराने के लिए रुका था। दोस्तों रोकनी बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे ब्रिजेस पे, और ये रोक के ब्लॉक कर रहा है कि 2 मिनट रुक रुपये में ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो नदी ना बहुत बड़ी है और ये ना राम झूला वाली फीलिंग दे रहा है, बट राम झूला और लक्ष्मण झूला तो कवर्ड है ना, ये नेकेड था। डर लगा तो फिर चल, फिर देखो हुंडर लेके चलता हूँ। चल को हमारे जस्ट आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम खाली है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं सैंडस्टॉर्म तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सैंडस्टॉर्म आएगा तो फिर तो सारा रेत रेत हो जाएगा, और फिर हुंदर भी गया और सब कुछ गया, सब कुछ जाएगा। अब जाके देखते हैं, जो होना है सो तो होना ही है, क्योंकि आगे वरना माउंटेन दिखते हैं और इसके बाद माउंटेन दिख नहीं रहा है। चलो सैंडस्टॉर्म ही है, सैंडस्टॉर्म ही आ रहा है दोस्तों, शीशा डाउन करते हैं, पहुंचते हैं सेफली। दोस्तों ये देखो इधर से आपको आइडिया लग पा रहा होगा, वैली नहीं दिख पा रही, आगे तो बिल्कुल पिच वाइट है। तो एक पूरा अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म आ रखा है, पूरा वैली में कुछ नहीं दिख रहा, और क्योंकि जस्ट यहाँ पर सैंड ड्यून्स भी हैं, हवा इतनी तेज़ है ना उसकी वजह से पूरी रेत वैली में फैल गई है, उसकी वजह से व्यू बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो गया है और विजिबिलिटी एकदम मतलब ज़ीरो हो गया है। थैंक गॉड मेरे पास अच्छी ऑक्सिलरी लाइट्स हैं। बाय गॉड यार ये थोड़ा सा हॉरीफाइंग हो रहा है, हवा बहुत तेज़ है। अगर आप बोलो तो एक बार माइक खोल के सुना देता हूँ आपको कैसी आवाज़ है, लो सुनो। ओ बाप रे धूल भी उड़ रही है यार, मैंने हेलमेट खोला और आपके सामने धूल आ गई, तो ऐसा सिचुएशन है दोस्तों। आराम आराम से चलना है, एक बार दिस्कित पहुँच जाते हैं। स्कूरू इज 12 एंड हमें टोटल डिस्टेंस जो जाना है वो 44 जाना है, अभी थोड़ा डिस्टेंस तो है, अभी आराम आराम से चलते हैं। ये वी हैव स्टार्टेड एंटरिंग द आई ऑफ द स्टॉर्म, सो अब मैंने बड़े वाला ऑक्स भी ऑन कर लिया है एंड बस आराम आराम से चलते रहो। ओ बाप रे ये तो उड़ा के ले जाएगी हवा, ऐसे लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हवा ज़्यादा है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा हवा है।
ऐसी सिचुएशन में ना बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस ही होती हैं जो आपको इंसान को उसकी वर्थ बताती हैं कि देख लो हाउ फिकल इज अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हल्की फुल्की घबराहट तो मुझे भी होती है दोस्तों, इवन दो ऐसी सिचुएशंस हमने पहले हैंडल करी हुई है, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ यार इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तभी क्योंकि आप अच्छे से माइंड को लेकर चलोगे कि हाँ यार कुछ पंगा भी हो सकता है तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करूँ। और दोस्तों मैं मेरे को स्टॉर्म में इसलिए घुसना पड़ा कि जो लास्ट गाँव था वो भी काफ़ी दूर था, और हमारा हुंदर अब टोटल 39 किलोमीटर्स है, तो हम कवर कर सकते थे, और हमारा सारा सामान वगैरह भी वहीं पर ही पड़ा है दिस्कित में, तो हमने कहा चलो कोई नहीं हम इसमें से निकल जाते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी ना करते हुए आराम आराम से। चैलेंजिंग हो जाता है दोस्तों ये, हवा बहुत तेज़ है, बाइक को ऐसे पुश कर रही है ना दोस्तों मैं बता नहीं सकता, मतलब बाइक एक तो हवा से भी फाइट कर रही है और उसकी साइड वाली पुश से भी फाइट कर रही है। जब हम माउंटेन के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं ना तब हवा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बट जैसे ही हम हल्का सा वैली के बाहर निकल रहे हैं ना ऐसा लग रहा है कि वो हमें उड़ा देगी, आई स्वेयर ऐसा लग रहा है उड़ा देगी। थोड़ा ऑक्स बंद कर दूं मैं उन बेचारों के लिए जो आगे से आ रहे हैं। तो ये एडवेंचर तो है ही है, बट मेरी प्रिपरेशन इसमें मुझे हमेशा हेल्प करती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन मैप हमेशा सेव करके निकलता हूँ हमेशा। इससे क्या होता है कि अगर मेरी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मेरे को पता रहेगा कि आगे मेरे पास बेंड्स कौन से आने वाले हैं, इसीलिए मैं हमेशा ऑफलाइन मैप सेव करके ही चलता हूँ। आप लोग भी ये एक प्रो टिप है, आप इसको सेव कर सकते हैं, ऑफलाइन मैप सेव कर लो, उससे क्या होगा कि आपको कभी भी रोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपके पास हमेशा वो इन हैंड होगी ही होगी। बाय गॉड बाइक चढ़ भी नहीं पा रही है, ये लो भाई आपके लिए डाउन कर दिया, डाउन कर दे मेरे भाई, डाउन कर दे, गुड बॉय। दोस्तों ये हमारी एक फाइनल वाटर क्रॉसिंग प्रतापपुर की, और इसके बाद हमारे को पूरा थ्रू आउट क्लियर रोड मिलेगा। हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों आई ऑफ द स्टॉर्म, और अब हम प्रतापपुर पहुंचेंगे, हुंदर पहुंचेंगे और दिस्कित पहुंचेंगे। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ आंटी। गाइज आज इतना ज़्यादा अच्छा स्टैंड स्टॉर्म हम देख के आए हैं ना कि हमारा मन था कि हम आके नहा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम, जो 9 बजे का टाइम होता है ना हमने 10 बजा दिए खाना खाने के लिए, और अभी हम नसीब हुआ हमें आज का खाना, दूसरा खाना, क्योंकि हमने एक ब्रेकफास्ट किया था और अब सीधा ये खा रहे हैं, हमने बीच में जो हम सामान लेके गए थे हमने वो भी नहीं खाया था। शूट करते करते टाइम ही नहीं बचा दोस्तों, अंधेरा ही हो गया और हुंदर तो देखने की बहुत दूर, हुंदर के सैंड रोड भी नहीं दिख रही थी, इतना तेज तूफान आया हुआ था। बताओ हुंदर में क्या हो रहा होगा, हुंदर में भी सैंडस्टॉर्म आ रहा था, हर जगह सैंडस्टॉर्म था। तो अब हम खाना खाते हैं फिर आपको रूम में मिलते हैं आराम से रेस्ट करके। 11 बज गए और लाइट गई, चली गई, और अपनी अपनी टॉर्च लेके हम आ गए अपना व्लॉग पूरा करने। दोस्तों आज का दिन भी पैनामिक जितना ही हेक्टिक हो गया, हेक्टिक तो हुआ बट आज का दिन बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल था हमारे लिए, क्योंकि हम अच्छा अच्छा कॉन्टेंट निकाल पाया। लेकिन हमें नहीं पता था कि आते आते हमारा एक और टेस्ट लिया जाएगा। कितने टेस्ट लेगा भगवान, बस करो यार बस करो, हमारा जो मेटल है ना वो एल्यूमिनियम बन जाएगा। हमारा इतना मेटल टेस्ट मत करो दोस्तों, सच में प्लीज। आज पता क्या आया, सैंड भी आ गया था, स्टॉर्म भी आ गया। हम प्रतापपुर पहुंच गए थे दोस्तों, प्रतापपुर से 30 किलोमीटर भी नहीं है अपना दिस्कित, हमें तो अब तो पहुंच गए। प्रतापपुर से काफी पहले आ गया था सैंड स्टॉर्म, मतलब प्रतापपुर से पहले जो खुला एरिया जहाँ पे होना शुरू होता है ना नुब्रा का, हम वहाँ पहुँच गए थे। और रणधीर ने देखा, रणधीर बोल रहा है कि कोमल तेरे को कुछ सामने दिख रहा है, मैंने कहा हाँ दिख तो कुछ भी नहीं रहा लेकिन सब कुछ धुंधला दिख रहा है, कह रहा है या तो ये मिट्टी है या ये पानी है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और सच में कुछ नहीं दिख रहा था पूरी वैली में, और अभी पूरा अंधेरा हुआ नहीं था तो हमें मतलब हम अंधेरे में जा रहे थे ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा हॉरिफाइंग था वो सिचुएशन, काफी हॉरिफाइंग था।
मैं क्योंकि अपने आप को फिर पूरा डरने नहीं देता, वरना फिर लेकर कौन आएगा ना। नहीं ये तो बात है, जैसे कल भी हम गए ठीक है और आज भी हम गए, तो हमें आते आते रात हो गई थी, लेकिन रणधीर बिल्कुल हिम्मत से गाड़ी चलाता गया और मैं भी इसके साथ बैठ के आती रही और वैसे ही हम रोज अपने अच्छे से ध्यान हमारी टीम है ध्यान से हम अपने वापस गेस्ट हाउस पहुंच गए थे, उत्सल गेस्ट हाउस। हम अंधेरा होने के बाद बावड़े होके नहीं चलाते दोस्तों, चलाते वही ऑर्डर से जिससे हम दिन में चलाते हैं। बस ये होता है कि अंधेरा माउंटेन में थोड़ा सा हॉरीफाइंग हो जाता है, इवन दो आप एक्सपीरियंस हो माउंटेन में, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। देखो माउंटेन में रात को जाने की अपन लोग को आदत नहीं है, इसलिए अपन लोग क्या होता है कि थोड़ा घबरा जाते हैं और रोशनी से पहले ही हम रुक जाते हैं दोस्तों, इसलिए। और ये करना भी चाहिए सैंडस्टॉर्म में दोस्तों, बाइक को क्या धक्के मारे। मैं अपनी जब सब इधर उधर हो गए थे, मैंने अपनी ब्लैक बर्ड को एक हक दिया और फिर मैं ऊपर आ गया क्योंकि यार वो लेकर आती है भाई, पूरा तूफान उसको पूरी कोशिश में था कि इसको गिराना है आज मुझे। ब्लैक बर्ड ने हमें गिरने नहीं दिया, हमारी ब्लैक बर्ड बहुत बढ़िया दोस्तों, हमें आज पूरा एक और बॉर्डर टच कराई। वो कहती है और कितने बॉर्डर तुम टच करोगे, तुम बोलो मैं तुम्हें लेके चलूंगी। दोस्तों आज ऐसे 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 हमारा मेटल टेस्ट हुआ और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा लंबा था। आप हमारी तीनों वीडियोस ज़रूर देखना, तीनों दोनों जितनी भी हम डालेंगे ना, तुरतुक की डालेंगे, थांग की डालेंगे और आज ये सैंडस्टॉर्म की वो डालेंगे। देखो हुंदर हम देख पाए नहीं, ना हम देख पाए ना आपको दिखा, और सुबह भी हुंदर जब हम गए थे तो सुबह लोग कोई आते नहीं है वहाँ पे, तो शाम तक हमें फिर पूरा वेट करना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला नहीं। सो हुंदर तो हमने दोस्तों रेगिस्तान सम सैंड ड्यून्स भी देखे हैं, तो थोड़ी पतली रेत है और क्या, बट ये सुबह वो नहीं होता कुछ, तो शाम तक हम वेट नहीं करेंगे। हम देखना तो चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, इट्स ऑल राइट, क्योंकि मेन चीज जो इस वैली की एक्सप्लोर करनी थी वो हम कराए, जो हमारी बकेट लिस्ट पे था 2019 से। और मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो, कि तुरतुक देख के मुझे, तुरतुक विलेज इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वो देख के मुझे लगा कि यार ये मुझे मिस करना चाहिए ही नहीं था कभी, अगर बाई चांस मेरा मिस होता तो। और अच्छी बात है कि हमने मिस नहीं किया, हुंदर हमारा इंस्टेंट मिस हो गया, तो वो फिर भी मुझे चलता है कि चलो कोई बात नहीं। सैंड ड्यून्स थे वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, कैमल राइड करते, बैक्टीरियन कैमल देखते, ठीक है वो कभी और भी हो सकता है, लेकिन तुरतुक विलेज मुझे बहुत सुंदर लगा, जन्नत थी दोस्तों। राइड आज की भी थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट हमने जैसे तैसे कंप्लीट करी। अब हमारा लेग टू ऑफ आर जांस्कर लद्दाख राइड 2022 भी खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारा लेग थ्री स्टार्ट होगा इस राइड का। आप बताओ कहाँ होगा, पता भी है कुछ? पता ही होगा मोस्टली, बट हमारे को दोस्तों अब रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरी बैक बोल चुकी है, अलाउ नहीं कर रही वो मेरे को अब कुछ भी करने का। अब हम रेस्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे हम कोई भी ऐसी एक्साइटिंग सी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।